नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। इसमें हम बात कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की, है ना। हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक, आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पैसेंजर एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम बस व्हेन द बस बिगिन्स टू मूव विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। मतलब हमसे बोला गया कि एक बस है, ठीक, एक पैसेंजर है। वो जो पैसेंजर है वो कितना डिस्टेंस दूर है भाई, वो जो पैसेंजर है वो बस से डी डिस्टेंस दूर है, ये हमको दिया गया क्वेश्चन में, है ना। आगे क्या बोला गया कि बस जो है वो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव करना स्टार्ट करती है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब आपसे बोला गया कि फाइंड द मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच द पैसेंजर शुड रन टुवर्ड्स द बस सो एज टू कैच इट, है ना। तो कितनी वेलोसिटी से भाई साहब ये मूव करेंगे कि इस बस को पकड़ सके। तो मान लो ये यहाँ के पकड़ते हैं, तो इस टाइम पे इनका जो बस का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर बस का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जो पैसेंजर है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि पैसेंजर का डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा डी प्लस एस ऑफ बस, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, तो अगर ये वी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे वी से, तो वी इंटू टी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस, सॉरी पैसेंजर। और क्या हो जाएगा बेटा, डी प्लस एस ऑफ बस कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक अब यहां से क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं टी में, है ना। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा इसमें, कि अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो ए टी स्क्वायर माइनस टू वी टी और प्लस टू डी इक्वल टू जीरो, ये हमारी एक इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे, कि हमें पता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है ना, ये इक्वेशन बनेगी अपनी। ठीक है, एक्स में अगर होता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे आएगा बेटा यहाँ पे, कि टी इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टू वी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब फोर वी स्क्वायर माइनस फोर ए, मतलब कितना हो गया बेटा, एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई टी का ए, और इंटू सी मतलब टू डी। ठीक, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, अपॉन आ जाएगा टू इंटू ए, तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा है, थोड़ी देर अपन देखते हैं एक बार इसको। यहाँ पे तो टू है हमारे पास, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे ये फोर और ये फोर का एक टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस टू ए डी अपॉन टू ए, तो टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या बना, टी की वैल्यू बनी। ठीक है, क्या बना, टी इक्वल्स टू वी प्लस माइनस, ये टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से, है ना। क्या आएगा, स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस टू ए डी बाई ए, है ना। अब हमारे को क्या चाहिए बेटा, हमसे जो बोला गया वो चाहिए कि वी मिनिमम बताओ। वी मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम, कि वी स्क्वायर माइनस टू ए डी इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे बेटा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए डी, मतलब v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टू ए डी। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जरूर सॉल्व करें। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन।